अमेरिका में हुए 9/11 आतंकी हमले को 23 साल हो गए हैं। पूरा अमेरिका इस हमले की बरसी मना रहा है, लेकिन अब ऐसा ही हमला यूक्रेन रूस पर करना चाहता है। लॉन्ग रेंज हथियारों को लेकर बाइडेन ने जेलेंस्की को क्या कहा है और पुतिन ने अमेरिका को कैसे धमकाया है, ये बात आपको हैरान कर देगी। रूस के दो सुपरसोनिक सुखोई 35 फाइटर जेट टेक ऑफ करते हैं। एक बड़े अटैक मिशन की तैयारी है। दोनों फाइटर जेट पर मिसाइल लोड है और अब टारगेट की तलाश हो रही है। आसमान के बाद समंदर देखिए। ये रूस के एडमिरल गोशकोफ क्लास का फ्रिगेट एडमिरल गोलोव को है। इसमें लगे एयर डिफेंस सिस्टम को चेक किया जा रहा है। ये फ्रिगेट कैलिब्र और जिरकॉन जैसी मिसाइलों से लैस है। हर हथियार को आजमाया जा रहा है। बताया गया है कि ये बड़े टारगेट पर हमले की तैयारी है। उधर जमीन पर पुतिन ने अपनी ऑनिक्स एंटीशिप क्रूज मिसाइल को लॉन्च करने की तैयारी कर ली है। ये मिसाइल 800 किलोमीटर तक पार करती है। पुतिन ने अमेरिका को अपना पंजा दिखा दिया है। पुतिन के पंजे की ताकत को अमेरिका डिकोड कर रहा है। पुतिन के पंजे की पहली उंगली में उनकी एयर पावर है, दूसरी में उनकी नौसेना है, तीसरी उंगली रूस की मिसाइल पावर है, चौथी उंगली में ईरान है, जिसकी तरफ से पुतिन को ड्रोन और मिसाइल सप्लाई तेज करने का दावा किया गया है, और पांचवी उंगली का मतलब है शी जिनपिंग यानी चीन। पुतिन अमेरिका को बताना चाहते हैं कि जब ये पंजा मुट्ठी में तब्दील होगा तो एटम बम बन जाएगा, यानी तब अमेरिका और नेटो का बचना मुश्किल है। सवाल है कि पुतिन ने यूक्रेन युद्ध के बीच अपना समुद्री बेड़ा दिखाना क्यों जरूरी समझा? क्यों पुतिन जंगी जहाजों से अभी मिसाइल फायर करके दिखा रहे हैं? इसे दो खबरों से समझिए। पहली खबर ये कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इशारा किया है कि वो यूक्रेन को रूस के अंदर लंबी दूरी के हथियारों से हमले की मंजूरी दे सकते हैं। जेलेंस्की इसकी इजाजत बार बार मांग रहे हैं। इस पर पुतिन के उप विदेश मंत्री सरगेई रैपकोव ने कहा कि अगर रूस के अंदर अमेरिका से मिले लंबी दूरी वाले हथियारों से हमला हुआ तो रूस इसका जवाब देगा। इसकी शुरुआत वो यूक्रेन को अमेरिका से मिले अटैकम रॉकेट और मिसाइल और उसके गोदाम को तबाह करके करेगा। ये पुतिन का बाइडेन और पूरे नेटो को बहुत ही खतरनाक और युद्ध का दायरा बड़ा करने वाला मैसेज है। इसकी टाइमिंग समझने की जरूरत है। यूक्रेन को लेकर बाइडेन अचानक एक्टिव हुए हैं और इसीलिए उन्होंने अपने विदेश मंत्री को यूक्रेन भेजा। एक तरफ अमेरिका और ब्रिटेन के विदेश मंत्री ट्रेन से कीव पहुंचे और दूसरी तरफ पुतिन के जंगी बेड़े आग उगल रहे हैं। एक तरफ नेटो के दो बहुत ही मजबूत देश और परमाणु बम बनाने वाले देश के विदेश मंत्री हैं, तो दूसरी तरफ रूस और चीन की सेनाएं मिलकर अभ्यास कर रही हैं। ये दो तस्वीरें साबित करती हैं कि इस वक्त दुनिया इन दो सबसे खतरनाक एजेंडे में फंस चुकी है। चीन और रूस की एक्सरसाइज पांच समंदरों में हो रही है। नाम है ओशियन 2024। इसमें प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, भूमध्य सागर, बाल्टिक सागर और कैस्पियन सागर, इन पांचों जगह के आसपास, खासकर भूमध्य सागर, बाल्टिक सागर और प्रशांत महासागर के आसपास अमेरिका के बहुत से अड्डे हैं। पुतिन बताना चाहते हैं कि चीन और रूस मिलकर चाहे तो इस बड़े इलाके में अमेरिका को कंट्रोल कर सकते हैं। Последние три десятилетия мы впервые проводим столь масштабные учения на море. Они одновременно пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. К ним привлекаются силы военно-морского флота, части дальней и военно-транспортной авиации. В отработке практических действий также участвуют корабли и авиация Народно-освободительной армии Китая. अमेरिका भी इस बात को समझ चुका है कि एक तरह से दुनिया भर में अमेरिका के अड्डों को घेरने की एक कोशिश की जा रही है और इसमें पुतिन की मदद कर रहे हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग।
इस युद्ध अभ्यास में सिर्फ रूस के ही 90,000 सैनिक शामिल हैं, 400 से ज्यादा शिप हैं, यानी रूस और चीन की नेवी मिलाकर बड़ा चैलेंज पेश कर रहे हैं। 125 से ज्यादा विमान हैं, यानी सुखोई, मिग और बाकी बड़े बॉम्बर भी शामिल हैं। इस युद्ध अभ्यास में आर्टिलरी यानी तोप और बख्तरबंद गाड़ियों को मिलाकर 7,500 वेपन सिस्टम भी शामिल किए गए हैं। ये रूस की तरफ से एक बड़ा कदम है, क्योंकि रूस की पूरी वॉर मशीनरी जब यूक्रेन में तबाही मचा रही है और साथ में रूस के अंदर कुर्स्क का फ्रंट भी लगातार एक्टिव बना हुआ है, वहां यूक्रेन के साथ खतरनाक जंग चल रही है, तब 90,000 सैनिकों और इतने बड़े बड़े हथियारों को युद्ध अभ्यास में लगा देना, ये पुतिन की तरफ से कोई बड़ी खतरनाक चाल बताई जा रही है। Этой целью, используя Украину, стремятся нанести стратегическое поражение нашей стране. Под предлогом противодействия якобы существующей российской угрозе и сдерживания Китайской Народной Республики, США и их сателлиты наращивают военное присутствие вблизи западных рубежей России, в Арктике и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. अमेरिका ने प्रशांत महासागर में ऑक्स यानी ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के साथ अपनी पार्टनरशिप को मजबूत किया है। इन दोनों देशों के बीच परमाणु पनडुब्बी को लेकर डील हो रही है और यही बात पुतिन और चीन दोनों को परेशान कर रही है। अमेरिका कह चुका है कि प्रशांत महासागर में चीन के ख्वाब को चकनाचूर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बी देगा। इसीलिए पुतिन और जिनपिंग के भरोसेमंद अफसर और मंत्री इस वक्त बहुत एक्टिव हो चुके हैं। सेंट पीटर्सबर्ग में ये मीटिंग देखिए, रूस के सुरक्षा परिषद के सचिव सरगेई शोइगू की मुलाकात चीन के सेंट्रल कमीशन के निदेशक वांग यी से हुई और इस बैठक को लेकर अमेरिका भी समझ रहा है कि उसके खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो रही है। वैसे देखा जाए तो चीन और रूस की दोस्ती मजबूत करके पुतिन ने ही बाइडेन को नहीं घेरा है। यूक्रेन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने भी बाइडेन की सरकार और उनकी वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस को खूब खरी खोटी सुनाई है। प्रेसिडेंशियल डिबेट में ट्रंप ने क्या कहा और कमला हैरिस ने क्या जवाब दिया, दोनों की बहस काफी दिलचस्प है। So you understand, they sent her to negotiate peace before this war started. Three days later, he went in and he started the war because everything they said was weak and stupid. They said the wrong things. That war should have never started. She was the emissary. They sent her in to negotiate with Zelensky and Putin, and she did. And the war started 3 days later. And that's the kind of talent we have with her. Yet again, I said it at the beginning of this debate, you're going to hear a bunch of lies coming from this fellow. And that is another one. When I went to meet with President Zelensky, I've now met with him over 5 times. The reality is it has been about standing as America always should, as a leader upholding international rules and norms. That the alliances we have around the world are dependent on our ability to look out for our friends and not favor our enemies because you adore strongmen instead of caring about democracy. खैर, अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन पुतिन ने अमेरिका को हिलाने की कोशिश अभी से शुरू कर दी है। पुतिन ने बता दिया है कि यूक्रेन ने अगर F-16 और अटैकम जैसे लॉन्ग रेंज वाले हथियार का इस्तेमाल किया और रूस के अंदर तबाही मचाई तो बाइडेन बहुत ज्यादा पछताएंगे। इसीलिए ट्रंप से लेकर बाइडेन का हर विरोधी यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका की मौजूद सरकार को आड़े हाथों ले रहा है। कहा जा रहा है कि जेलेंस्की को बचाने के लिए अमेरिका अब कंगाल होने को तैयार है। जेलेंस्की को बचाने के लिए अमेरिका अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है और इसीलिए अब अमेरिका ने जेलेंस्की के बैंक खाते में $21 मिलियन से ज्यादा की रकम डालने का फैसला किया है। रुपए में बदलेंगे तो ये रकम 1,75,000 करोड़ यानी $2,25,000 रुपए होंगे जो अब जेलेंस्की को मिल सकते हैं। 1,75,000 करोड़ रुपए से बाइडेन पुतिन को रोकना चाहते हैं, रूस को हराना चाहते हैं, वो नेटो को पुतिन के गुस्से से बचाना चाहते हैं। कीव पर हमले हो रहे हैं, खार्किव पर कब्जा करने के लिए पुतिन तैयार बैठे हैं। ओदेसा में रोज मिसाइल गिर रहे हैं। पोक्रोस्क और पुलतावा पुतिन का नया टारगेट बन चुके हैं।
लेकिन बाइडन तो हथियारों की शक्ल में जेलेंस्की पर डॉलर की बारिश कर रहे हैं। धमाकों के बीच जेलेंस्की को बार बार लिफ्ट कराने की कोशिश जारी है। जाहिर है कि अब जेलेंस्की को पुतिन की फौज से लड़ने के लिए फिर से नई पावर मिलने वाली है। यह ऐसी लॉन्ग रेंज वाली फायर पावर है जो अगर टारगेट पर लगी तो पुतिन अमेरिका और नेटो को मिट्टी में मिला देंगे। इसका ट्रेलर पुतिन ने दिखा दिया है।